नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे जहां भूपेश सरकार का बजट पेश हो गया है। भूपेश सरकार का ये अंतिम बजट रहा, लेकिन भूपेश सरकार का जो ये बजट पेश हुआ है इसे कहा गया है भरोसे का बजट। जी हां, ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार की तरह हवा में नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की तरह जमीन में, जमीन तक पहुंचने वाला ये बजट होगा। इसमें कई सारे लाभ लोगों को दिए गए हैं ऐसा माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जनता के बारे में और खासतौर पर मानदेय भत्ते की बात अगर की जाए तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जनता के हित में सोचते हुए साथ ही साथ, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव से भी जोड़कर जनता को लाभान्वित करने के लिए, हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए ये बजट लाया गया है। तो कई सारी चर्चाएं हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आवास योजना, जिसको लेकर विपक्ष बार बार आवाज़ उठा रहा था, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया, किसी तरह का प्रोविजन नहीं है। जल जीवन मिशन को लेकर किसी तरह का प्रोविजन नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। और इसके अलावा विपक्ष का कहना है कि जो खासतौर पर जो नौकरियां हैं उनको लेकर किसी तरह का कोई सोचना नहीं है। भत्ते को लेकर विपक्ष के आरोप है कि अब तक भत्ता नहीं दिया गया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया, अब इस बारे में 2 साल की बात कही जा रही है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जो मेन पॉइंट्स इस बजट को लेकर सामने आए हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए इस बजट में प्रावधान है। शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। शहरी क्षेत्र के लिए इस बजट में सोचा गया, नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना के लिए 100 करोड़ रुपये की बात कही गई है। दुर्ग से नवापुर के लिए लाइट मेट्रो सेवा देने की बात कही गई है। नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क 50 करोड़ रुपये की बात कही गई है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनमें रवि ग्वालन जी हैं कांग्रेस से, प्रवीण शाह साहब हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सूरज जी बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रवीण जी आपका भी स्वागत, रवि जी आपका भी स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहूँगी कि सर, आपने जो वादे किए हैं उसको लेकर कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि कुछ सारी ऐसी चीजें हैं, आप कह रहे हैं भरोसे का बजट, वो कह रहे हैं भरोसा टूट गया है, क्या कहेंगे रवि जी? देखिए, विपक्ष तो कहेगा कि भरोसा टूट गया है, लेकिन आप अगर बजट की बारीकियों को देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। शिक्षित बेरोजगारों की जो बातें बहुत समय से विपक्ष कह रहा था उसके ऊपर भी प्रावधान आया हुआ है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो उसके ऊपर भी उनका ध्यान केंद्रित है। किसान से संबंधित जो हमारी योजनाएं हैं उस पर भी ध्यान केंद्रित है। और जिस प्रकार से बाकी जगह के मानदेय बढ़ाए गए, जो बहुत समय से बातें चल रही थी कि उनके मानदेय कम है, विभिन्न वर्ग के, उनके ऊपर बात की गई। जितने भी नई तहसीलें हैं, जितने भी नए जिले स्थापित हो रहे हैं, हर जगह पर नए चीजें बनेगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी बात की गई है। तो आप अगर बजट को देखेंगे पिछले 5 वर्षों से पूरे अगर देखते चलिए तो कोई भी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया है। इस वर्ष भी किसी भी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया है। उसके बावजूद लाभ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। ये बताता है कि अगर वित्तीय प्रबंधन हमारा सही हो तो हम लाभ का बजट भी पेश कर सकते हैं। 3500 करोड़ के लाभ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, बगैर कोई नया ऋण लिए बात कही गई है। तो हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे 2018 में घोषणाएं थी, हमने आज 30 से ज्यादा घोषणाएं पूर्ण कर ली है और इस वर्ष भी हमारी सारी योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भूपेश है तो भरोसा है और यह भरोसे का बजट है। भूपेश है तो भरोसा है और ये भरोसे का बजट है, क्योंकि बार बार भरोसे का ही नाम लिया जा रहा है। जब सदन में हमारे सहयोगियों ने जब आपके नेताओं से पूछा तो ये कहा गया प्रवीण जी कि ये भरोसे का नहीं, अगर अब तक भरोसे का बजट है तो फिर अब तक क्या धोखे वाला बजट था। लेकिन क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है इस बजट में? कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें कि नहीं है ठीक इस बजट में? सर्वप्रथम मैं भारत माता की जय कहूंगा, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, सभी सम्मान दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, ये धोखे का बजट है, ठगने का बजट है और इस बजट के आने से पूरे प्रदेश में एक निराशा का माहौल आ गया है। आपने कहा कि कुछ की पॉइंट्स बताइए, मैं बोला बहुत सारे की पॉइंट्स है जिसको सुनकर जनता निराशा में डूब चुकी है। सर्वप्रथम बेरोजगारी भत्ता की बात करता हूं मैं।
चार वर्षों तक इन्होंने कोई बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं की, जबकि मेरे पास इनका जन घोषणा पत्र है। जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आते ही बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब अंतिम वर्ष चुनावी वर्ष में ये बेरोजगारी भत्ता की घोषणा कर रहे हैं और टर्म्स कंडीशंस लगा रहे हैं कि 12वीं पास होना चाहिए, वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ दिन पहले आंकड़ा बताया कि CMI जो एक प्राइवेट है निजी संस्था के हिसाब से 0.09% बेरोजगारी है। अभी तक तो ये डंका पीट रहे थे कि कोई बेरोजगारी नहीं है। अगर हम वो आंकड़ा भी ले ले तो क्या 250 करोड़ पर्याप्त है बेरोजगारी भत्ता देने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल जनता को ठगने का बजट है कहीं ना कहीं। और देखिए, सर्वप्रथम भूपेश बघेल जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी कल एक वीडियो में बहुत अच्छी बात कही कि ये आसमान का नहीं बल्कि जमीन की बात करेगा। मुझे मालूम था कि ये बात हम कहेंगे कि वो आसमान की ऊंचाई तक देख नहीं सकते, क्योंकि जैसा उनकी सरकार का कार्यकाल चल रहा है वो कहीं ना कहीं औंधे मुंह जमीन पर गिर चुके हैं, इसलिए जमीन की बात उनको करनी पड़ रही है। शराबबंदी की बात कहे थे इन्होंने घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र है मेरे हाथों में, इन्हीं का ही घोषणा पत्र ही है ना। इन्होंने कहा था कि शराबबंदी की बात करेंगे, बजट की चर्चा है इसलिए शराबबंदी का विषय इसलिए ला रहा हूं क्योंकि लगभग प्रतिवर्ष 5 से 6 हजार करोड़ का राजस्व इनको शराब की बिक्री से होता है। तो इस पर मेरे सम्मानित कांग्रेस के साथी क्या बोलेंगे बताइए इस पर। ठीक है, मैं रवि जी के पास जा रही हूँ, सूरज जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। रवि जी कहिए, जवाब है आपके पास? देखिए, आज अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है निराशा का बजट है तो मैं ये कहूंगा कि उन्हें इस बजट में जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है शायद वो या तो पढ़ नहीं पा रहे हैं या उनको वो देख नहीं पा रहे हैं। 101 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कीम के अंतर्गत बोला गया है कि चालू किए जाएंगे। 97 से ज्यादा जो न्यायपालिकाएं हैं उनके प्रति बात की गई है। जितने भी नए जिले हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी बात कही गई है। तो ये हर बार यही कहते रहते हैं कि आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। हम जो कह रहे थे हम कर रहे थे, हमने जो वादे किए थे 36 वादे हमारे जो थे वो हमारे 5 वर्ष के वादे थे। एक एक करके सारे वादे पूरे होते जा रहे हैं। जब वादे पूरे हो रहे हैं तो ये कहते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं किया। हम जब सरकार में आए धीरे धीरे हमने वित्तीय प्रबंधन को समझा। जो 15 साल के समय में भारतीय जनता पार्टी हमें जिस नुकसान के बजट में छोड़ के गई थी, जो घाटे में प्रदेश को छोड़ के गई थी, जो मोबाइल बांटने का वादा करके गई थी, उनको हमने दुरुस्त किया। हमने पहले एक एक करके किसान से लेकर के हर चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। आज जब हम एक एक करके सारी बातें पूरे करते जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा हम कैसे। प्रवीण जी, आप लोग कर्ज में छोड़कर गए थे, कह रहे नुकसान में छोड़कर गए थे, घाटे में छोड़कर गए थे, उससे उबारा है पहले हमने। सर्वप्रथम आदरणीय रवि जी सीए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने विषय को रखा। उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके गवर्नमेंट साइट पर निकला हुआ डेटा है, सबसे अधिक आपने आवंटन किया था 16,522 करोड़ स्कूल एजुकेशन पर। यदि आप देख पा रहे होंगे तो 16,522 करोड़ आपने स्कूली शिक्षा में आवंटित किया और नए आत्मानंद स्कूल खोले। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परफॉर्मेंस क्रेडिट इंडेक्स के हिसाब से छत्तीसगढ़ निचले से तीसरे पायदान पर आ चुका है, लास्ट थर्ड, हाईएस्ट अवॉलॉटमेंट ऑफ द बजट बट द लोएस्ट परफॉर्मेंस। बताइए क्या कहना चाहेंगे? कर्ज की बात कर रहे हैं, 15 सालों में हमारी सरकार ने केवल 15 साल में 36,000 करोड़ लिए हैं और इन्होंने 4 वर्षों में 51,000 से अधिक लोन लिया है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? और रही बात, बोल रहे थे कि बारीकी की, मैं बारीकी की बात कहना चाहूंगा। आपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस भी परिवार में 5 सदस्य होंगे जिनके पास कोई भूमि हो या कोई भी ऐसा परिवार जो भूमिहीन है उनको एक बाड़ी देंगे, घर देंगे। कहा गया उस विषय पर चर्चा? शहरी क्षेत्र में कहा था कि क्षेत्र में आवासहीन परिवारों को 2 कमरे का मकान प्रदान किया जाएगा। बताइए इस पर कहां चर्चा है? इस पर चर्चा तो बात ठीक है, चर्चा की बात। वापस लौट रही हूं सर आपके पास, वापस लौट रही हूं। हमारे साथ पीसी रथ साहब भी जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी हम इन बजट को समझेंगे। लेकिन सूरज जी, सबसे पहले आपको, आपसे जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी को क्या लगा इस बजट में, क्या सही लगा क्या सही नहीं लगा? क्योंकि अब तक सरकार की तरफ से इसे भरोसे का ही बजट बताया जा रहा है और इनका ये भी कहना है कि हर क्षेत्र में बजट में प्रावधान है, हर क्षेत्र को लेकर बजट में सोचा गया है। कहिए सूरज जी। सबसे पहले तो मैं, हमारी पार्टी का रेसिपी स्कूल और अस्पताल है, मैं उसी पे चर्चा करना चाहूंगा। और जो बात बोली जा रही है कि भरोसे का बजट नहीं है, ये छलावा है, ये घोषणा करने में मास्टरी है इनको।
इन्होंने 4 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, प्रावधान कितने का किए हैं? 200 करोड़ का। अरे साहब, एक बिल्डिंग नहीं बनेगी चारों की? क्या मेडिकल कॉलेज खोलना चाह रहे हैं आप? बेवकूफ बना रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को। ये लाइट मेट्रो सेवा जो चालू कर रहे हैं उसमें क्या प्रावधान है? कितने रुपए रहेगा? कुछ नहीं। 101 आत्मानंद स्कूल खोलना चाह रहे हैं, एक स्कूल के पीछे 7.99 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कैसे उसका रिनोवेट करेंगे? कहां से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? उसी पैसे में कहां से एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आएगा? कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है कि 4.5 साल बाद ये याद आया कि हम 2500 रुपया भत्ता देंगे, लेकिन किनको? जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम होगी। तो जो 19,53,556 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उनमें से 9 लाख वो कौन लोग होंगे? और मैं बात बेरोजगारी भत्ते की नहीं करना चाह रहा हूं, इस सरकार ने रोजगार देने का कोई भी प्रावधान इस बजट में नहीं किया है। ये सिर्फ लुभावनी वादा कर रहे हैं। होमगार्ड के लिए 6,300 से 6,420 रुपए कर दे रहे हैं। वो होमगार्ड जो पुलिस के बराबर नौकरी करता है उसको पक्का करने का कोई प्रावधान नहीं है। लगभग 2 लाख अनियमित कर्मचारी सड़कों पर है महीनों से, उनको रेगुलर करने की कोई बात नहीं है। रोजगार देने में ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। और दूसरी बात, जैसा हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे कि हमारा कर्जा कम था, इन्होंने कर्जा बढ़ा दिया। आप बजट तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का कर्जा कैसे कम होगा, इसका कोई रोड मैप कांग्रेस के पास नहीं है। जवाब दीजिए, बेरोजगारी के लिए क्या सोचा आपके बजट में? ऐसा कुछ नहीं है, बताइए। कैसे कम करेंगे आप? सिर्फ उधारी ले लेके बांटते रहेंगे। ठीक है, सुनिए आपकी बातों का जवाब ले रही हूं। पारुल जी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, और ये जग जाहिर आंकड़ा भी है, कि हमारा बेरोजगारी दर सबसे कम है। जब हमारा बेरोजगारी दर सबसे कम है तो रोजगार की बात कैसे नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं 4.5 साल बाद आप जो है इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमने पहले बेरोजगारी पर केंद्रित किया कि उसको कैसे कम करें, आज उसके बाद भी जो लोग रह गए हैं। और इधर प्रवीण जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी कम कर दी तो बेरोजगारी भत्ता क्यों देना पड़ रहा है आपको? मैं बता रहा हूँ ना, जो रह गए हैं उनके लिए ये ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। देखिए, हम जीरो तो नहीं कर पाए हैं, 0.38, कभी 4.8, कभी 0.5, इसके आसपास ये आंकड़ा घूम रहा है। सर, अगर आप पिछले 2 साल से देखेंगे जो चर्चा हो रही है, सर इतनी देर से आप सुन रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट पारुल जी, ये कह रहे हैं कि आप 4 कॉलेज के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। अरे शुरू तो हो वहां पर, पहले एक एक चीजें जैसे आगे बढ़ते नहीं तो बेरोजगारी भत्ता तो सर आपके मैनिफेस्टो में था ना, फिर आपने आते आते ये साल के जब आपकी सरकार जाने वाले टेन्योर का अंत हो रहा है तब आप बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर रहे हैं, इसलिए भी तो सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। आ रही हूँ वापस। पीसी रच्छा, कैसे देख रहे हैं सर आप इस बजट को? क्या कुछ आपको अच्छा लगा और क्या कुछ लगा कि आपको कमियां हैं? ये बजट निश्चित रूप से चुनावी वर्ष का बजट है। चुनावी वर्ष में जिस तरह से लोग लुभावने वादे किए जाते हैं, लोग लुभावने अलग अलग तरह के सारे सेक्टर्स को कवर किया जाता है, उस तरह से कोशिश बजट में दिखाई दे रही है। और बहुत कुछ कहना चाहूंगा मैं कि ये बजट जो है वो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की तर्ज पर बना हुआ छत्तीसगढ़ का बजट है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जिनकी घोषणाएं उन्होंने की है केंद्रीय बजट में, जो एक साल में पूरी होने वाली नहीं है, ऐसी योजनाओं को इन्होंने भी उसी तर्ज पे रखा है कि हम 200 करोड़ में 4 मेडिकल कॉलेज बना देंगे, हम इतने स्कूल के लिए इतने करोड़ का बजट रख रहे हैं। यानी वो बजट की राशि को, जो प्रोजेक्ट 3 साल 4 साल में पूरे होने वाले प्रोजेक्ट हैं, उसको 1 साल के बजट में उसकी अल्प राशि रख करके उसका क्रेडिट ले लिया जाता है। ये पैटर्न चला रखा है केंद्र सरकार ने, तो उसी पैटर्न को फॉलो किया है भूपेश बघेल की सरकार ने, ये इस बजट में प्रतीत हो रहा है। तो इसमें वो मिले जुले तरीके को ही ले रहे हैं, जैसे कि धार्मिक मामलों में इन्होंने किया है, उसी तरह से ये बाकी मामलों में भी इसी तरह से बजट बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। नए सेटअप में इन्होंने नए सेटअप के लिए अलग अलग थानों के लिए, तहसील कार्यालय के लिए अलग अलग काफी स्टाफ के लिए व्यवस्था प्रोविजन किया है। अब वो आगे चल के कितना क्रियान्वित होता है वो देखने वाली बात होगी। असल में जो ये पूरा बजट है वो कहीं ना कहीं से चुनावी वर्ष, जो लगातार 2 चुनावी वर्ष हैं 2023 और 24 में राज्य और केंद्र के जो चुनाव होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट है। एक अच्छी बात हुई है कि रायपुर अंबिकापुर में मानसिक चिकित्सालय के लिए इन्होंने प्रोविजन किया है। छत्तीसगढ़ में 274 पदों का प्रावधान रखा है। अभी तक मानसिक चिकित्सा के लिए सरकारी तौर पर छत्तीसगढ़ में कुछ व्यवस्था नहीं थी,
तो मौजूदा हालात में उसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, तो वो एक नई चीज मुझे लगी कि ठीक अच्छी बात है वो। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बहुत हड़ताल किए थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन बढ़ाने की एक जो पहल हुई है, छोटी सी ही सही, 10,000 रुपए वेतन उन्हें मिलेगा, ये व्यवस्था हो रही है, तो वो अच्छी बात है, वो स्वागत किया जाना चाहिए उसका। और कुल मिलाकर के ये पांचवी राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, पांचवी सरकार का ये पांचवें वर्ष का बजट है वो। तो उस तरह से संगतता को देखते हुए लगता है कि सरकार की सोच जो है वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है सरकार की, अगले टर्म में भी वही सरकार आ रही है। केंद्र की जीडीपी से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ का भी बात कर रहे हैं आने वाले समय को लेकर। जी, जीडीपी ग्रोथ को लेकर के ये 8% का राज्य का बता रहे हैं और 7% भारत सरकार का है जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो है, तो उसमें आगे दिख रहे हैं ये। लेकिन ये भूल रहे हैं कि राज्य के आम आदमी की जो आय है वो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, 1,32,000 समथिंग करोड़, 1,32,000 राज्य सरकार के प्रति व्यक्ति आय दिख रही है, जबकि केंद्र का औसत जो है 1.72 यानी 1,72,000 रुपए का है। तो ये प्रति व्यक्ति आय में राज्य सरकार कम जा रही है, लेकिन वो आगे की ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाएंगे उसको। और निश्चित रूप से बेरोजगारी की स्थिति छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन शहरी बेरोजगारों के लिए जो नया कुछ स्कीम आनी चाहिए थी उसकी कमी महसूस की जा रही है। केवल नगर पंचायतों तक के बढ़ा देना वो महत्वपूर्ण नहीं है, ग्रामीण स्तर जो है। वापस कांग्रेस के पास ही जा रही हूं। रवि जी, मुझे अभी अवसर दीजिएगा, आपने मुझे दोबारा अवसर नहीं दिया है। पारुल जी बोलने का आ रही हूं, वापस आ रही हूं सर, टाइम है हमारे पास। रवि जी कहिए। पारुल जी देखिए, आज अगर जो वादे हमने किए थे और अगर हम उनको 5 वर्षों में पूरा कर रहे हैं तो दूसरी विपक्षी पार्टियों को दर्द क्यों हो रहा है? एक एक करके वादे पूरे होते जा रहे हैं ना। मैंने पहले भी कहा कि हमारा फोकस था कि जो 15 साल बाद हमें जो चीजें मिली है उसको पहले कैसे व्यवस्थित करें। हमने शुरुआत में व्यवस्था की, उसके बाद कोविड का पीरियड आ गया, सब डिस्टर्ब हो गए। उसके बाद जब देश जिस प्रकार से बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ उससे और अच्छे से आगे बढ़ता जा रहा है। हम प्रोडक्टिव स्टेट है, प्रोडक्टिव स्टेट के साथ साथ हमारा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर भी है। इस वर्ष जो अगर आप देखेंगे तो जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उस पर इंडस्ट्रियल पार्क लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो एक तरफ हम धान के कटोरे को साबित कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में धान उग रहा है, दूसरी तरफ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा सर, जिन योजनाओं को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो एक साल में पूरे होने वाला नहीं है। तो केंद्र सरकार को भी अगर चुनावी बजट हम कह रहे थे, आप लोग भी कह रहे थे, और अगर आपके इस बजट को, क्योंकि वो भी एक साल में पूरे होने वाला नहीं है, आप लोगों ने भी कई योजनाओं को आगे दिखा दिया है, तो इसे भी चुनावी बजट क्यों नहीं कहा जाए? देखिए, आप इस बजट को जो कहना चाहे कह सकते हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से बजट का एनालिसिस करेगा, लेकिन जब हम बात करेंगे तो हम भविष्य की बात करेंगे। जब हम कोई भी चीज नींव रखेंगे, अगर आप 4 साल देखेंगे तो हमने धीरे धीरे चीजें जो क्रियान्वित की है। हमारे प्रदेश में एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल करके गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं। जब तो इसमें तकलीफ कहाँ है? योजनाएं तो बनेंगी, तब तो क्रियान्वयन होगा उनका। ठीक है सर, लेकिन आप करें तो सब अच्छा है, वही दूसरे करें तो आपको चुनावी बजट लगता है। देखिए, हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हाँ, दूसरों को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आरुण जी, मैं बताना चाहूंगा, स्वामी आत्मन स्कूल के बात कर रहे हैं ये, है ना मेरे आदरणीय प्रवक्ता जी कांग्रेस के, बता दे स्वामी आत्मन स्कूल के लिए सेटअप में कितनी राशि प्रावधान की गई है? स्वामी आत्मन के जो शिक्षक है वो तो प्रतिनियुक्ति पर लाए जाते हैं हिंदी मीडियम के स्कूलों से, यदि आपको धरातल पर जानकारी हो तो, आदरणीय प्रवक्ता भगत। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, फूड पार्क की बात की थी इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में, राहुल जी ने कहा था कि फूड पार्क देखकर बहुत खुश थे, कहां पर है फूड पार्क? हमको तो वही धरातल पर दिख नहीं रहा, शहरों की बात कर रहे हैं। और अन्य विषय पर बात बजट की, मैं नियमितीकरण की इन्होंने घोषणा की थी, ये इनका घोषणा पत्र है, कहां है नियमितीकरण का वादा? तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की आपने पदोन्नति की बात की थी, कर्मोन्नति की बात की थी, उस पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? और आप कह रहे थे कि आपने कोई नया टैक्स लेकर नहीं आया, आपने कहा था कि संपत्ति कर को हाफ करेंगे, कहां है? यूजर चार्ज के माध्यम से आपने उल्टा टैक्स बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैं आपकी मजबूरी कहूं कि आप प्रवक्ता है, जब बोल नहीं पाते आपको भी मालूम है कि कितना यूजर चार्ज बढ़ा दिया गया है। ठीक है सर, समय मेरे पास कम है, सूरज जी के पास भी जाऊंगी, सतीश रसावा के पास चाहूंगा। देखिए, आपने आवासहीन शहर के लोगों को कहा था कि पट्टा देंगे, कहां है पट्टा बताइए? ठीक है सर, बहुत सारे क्वेश्चन सूरज जी के पास जा रहे हैं, पट्टे मिल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा पारुल जी,
ये कह रहे हैं फूड पार्क कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो एसी कमरे में बैठ करके बजट देख रहे हैं, धरातल पर जाएंगे तो सब दिखेगा। सूरज जी ठीक है सर, बारी बारी से मेरे गेस्ट और बैठे हुए हैं उनको भी बोलना है। रुक जाइए प्लीज प्लीज रुक जाइए, हो गया आपकी बारी हो गई, प्रवीण जी रवि जी आपकी बारी, रुक जाइए। सूरज जी बोलिए, आपके एसी कमरे में बैठे रहेंगे, समय कम है सर मेरे पास। इस जन धरातल पर जाइए, ग्राउंड जीरो पर जाइए, सब दिखेगा। ठीक है, लेकिन अब पांच साल हो गए रवि जी, अभी भी अगर आप कह रहे हैं कि हमने शुरुआती कुछ साल तो ये समझने में लिए कि हम करेंगे क्या, हम कैसे आगे सरकार काम करेगी। रुक जाइए सर, बाकी मेहमान बचे हुए मेरे उनको भी बोलने दीजिए। सूरज जी ये 15 साल में कब प्रॉफिट का बजट ला पाए बताएं। ठीक है सूरज जी, लाभ का बजट पेश किए हैं, 4 बजट। रवि जी प्रवीण जी आप लोगों को नहीं बोला है बोलने के लिए, प्लीज काम डाउन। सूरज जी बोलिए, तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए। सूरज जी आप अपना बोलना शुरू कीजिए प्लीज। ये सीधे जी क्यों इस्तीफा दिए बताइए, बजट पे बात कर रहे हैं, इस्तीफा की बात तो बाद में भी कर सकते हैं। और सरकार कार्य नहीं कर पा रही, इसको भी चर्चा करना पड़ेगा सर। सर आपको जो मौका मिलता है जितने में गाजर में सागर भरने का प्रयास करें, बहस करने से मुद्दे भटकाने से कुछ हासिल नहीं है सर। आप केवल अपने राजनीतिक आपस में नहीं सर, अपनी बात रखिए सूरज जी। जी देखिए, जैसा मैंने पहले भी बोला और वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने भी बोला कि ये चुनावी बजट है, ऐसे ऐसे चीजें लाई गई हैं जो इनके कार्यकाल में पूरा हो ही नहीं सकता, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैम कि जो इन्होंने वादा किया था उस पे इन्होंने कोई प्रावधान भी नहीं किया, काम नहीं किया। जैसे एक पेंशन योजना थी, पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को 1,000 रुपये प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक के लोगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह और विधवाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह, वो इसमें कहीं भी गायब है, लेकिन घोषणा पत्र में था। लाइट मेट्रो सेवन के कहीं घोषणा पत्र में नहीं था, उसको ले आए ताकि पब्लिक खुश हो जाए, शहरी पब्लिक। सड़कें चमचमाती, लेकिन क्या ये 4 महीने में रोडें बन जाएंगी? पीसी रथ साहब इस बजट से 2023 में जब चुनाव होंगे उससे छत्तीसगढ़ सरकार को कितना फायदा होगा, और जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो इस बजट को जनता तक उनकी तरह से समझाने में कामयाब हो पाएंगे? सूरज समय कम है, पीसी रथ साहब को 30 सेकंड बोलने दीजिए। इसमें बजट में जो लोक लुभावनी बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, अच्छी योजनाएं हैं, उसको धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस सरकार को कड़ी मेहनत करवानी पड़ेगी सरकारी कर्मचारियों से। यानी जो सरकारी कर्मचारियों का नेटवर्क है वो पूरी सक्षमता से काम करके इस समय पर रिजल्ट दे सकेगा तो चुनाव में बेनिफिट मिल सकता है कांग्रेस को। लेकिन हम देखते हैं प्रदेश में बहुत प्रशासनिक तौर पे बार बार अलग अलग मेलों का आयोजन करके अलग अलग तरह से विशेष रूप से काम करवाने के लिए सरकार प्रयास करती है। यानी जो कई बार हो गया है कि नामांतरण के प्रकरण, राजस्व से जुड़े प्रकरण जो सक्षमता से समय पे काम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सक्षम अधिकारियों को बहुत स्तर पे सरकार की तरफ से दबाव के बावजूद वो काम नहीं ठीक है। लेकिन समय कम है और काम ज्यादा बजट के हिसाब से अगर देखे तो रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रवि जी जुड़े, प्रवीण जी जुड़े, सूरज जी जुड़े, पीसरत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए थे सभी मेहमान जिन्होंने चर्चा की बजट को लेकर। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि जनता के लिए इस बजट को लाया गया है। इसमें कई सारी ऐसी बातें जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि बजट में जिन चीजों का प्रावधान, कई सारी योजनाओं में या कई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, जिसमें स्कूल्स की भी बात की गई है, वो क्या इस समय तक जो सरकार का टाइम पीरियड है उसमें पूरा हो पाएगा, और नहीं तो सरकार आने वाले समय में इसे पूरा करेगी? अगर सरकार रही तो ठीक, नहीं रही तो फिर कैसे पूरा होगा? कई सारे सवाल थे जो इस बीच उठ रहे थे, लेकिन सबके साथ सबके बीच बात यह भी कि जनता के बारे में, खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के बारे में, खासतौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में सरकार ने इस बजट में सोचा, उनका मानदेय भी बढ़ाया है। लेकिन बेरोजगारी भत्ता जिसको लेकर बहुत ही शुरुआती दौर से छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, वो अब जाकर बेरोजगारी भत्ते की भी बात सामने आई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।